रेगिस्तान के धोरों के बीच असंभव को संभव बनाने में जुटे हैं नागौर जिले के अलाई गांव के प्रगतिशील किसान अशोक जांगू। अलाई के निकट कालड़ी गांव, जहां बारिश के अलावा हरी घास भी नहीं मिलती, वहां अशोक जांगू ने एक मिनी फूड पार्क विकसित कर दिया है, जहां रसोई में काम आने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। जांगू ने जैविक अनार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेशन भी करवाया है और आज यहां उत्पादित होने वाली अनार की मांग भारत के साथ विदेशों में भी है। जो लाइफ थी ना वो हजारों में और ये तो प्रकृति का ही था, हुआ था कि अपने आप खेत में आके ये काम चालू हो गया और 468 किसान है मेरे साथ में। और पहले ऑर्गेनिक किया था तो भागदौड़ की कि ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करके बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल में जो कंपनी थी, जो एग्जीबिशन पार्टिसिपेट, मेरा सबसे बड़ा था कि मैंने एग्जीबिशन जो भी थे ना बायोफ्लेक वगैरह जर्मन वाले वो सब पार्टिसिपेट किए थे। तो एग्जीबिशन में आदमी को क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करने के बाद में मुझे ये तो पता चल गया कि मटेरियल बेचना कहाँ है, तैयार तो कर रहे हैं मगर वहाँ हमने सर्टिफाइड नहीं करवाया था। तो ऑर्गेनिक जब तक सर्टिफाइड नहीं होता है तो सर्टिफाइड नहीं होने के बाद मटेरियल आपका चाहे ऑर्गेनिक है मगर सर्टिफाइड नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते। जांगू ने रेगिस्तानी जमीन में 55 बीघा में करीब 6000 अनार के पौधे लगाए। एक तो जमीन रेतीली, ऊपर से पानी भी मीठा नहीं था, फिर भी आसमान में सुराख करने की जिद लेकर जुट गए। खेत में करीब 1 करोड़ लीटर पानी एकत्र करने के लिए डैम बनाया। बारिश से जितना पानी भर जाता उसके अलावा ट्यूबवेल से भरते, फिर खारे पानी को मीठा करने के लिए देसी तकनीक अपनाई। सिंचाई के लिए डैम के ऊपर का पानी लेने के लिए पंप के टायर बांधा। खास बात यह है कि एक ओर जहां किसान अपनी उत्पादन के लिए दवाइयों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं, वहीं जांगू ने अनार के सभी पौधों को पूरी तरह जैविक रखा है, जिनसे आने वाले 35 से 40 वर्षों तक उत्पादन ले सकेंगे। कंडीशन ऐसी है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की, इतनी लंबी कंडीशन है कि 3 साल तक तो फार्मर से आप कुछ खरीद नहीं सकते सर्टिफिकेशन करो, 4थे साल डोमेस्टिक, 5वें साल आप एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाई। 5 साल ये अनार के प्लांट की तरह है, 5 साल कौन ऐसा आदमी होगा जो 5 साल कौन ऐसा है, फार्मर भी कौन करेगा। तो मेरे जितने फार्मर थे उसमें से 50% ने ऑर्गेनिक करना छोड़ दिया, क्योंकि मटेरियल जब वो ऑर्गेनिक करके उनको मार्केट दिलाना भी मेरी जिम्मेवारी है ना। फिर धीरे 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 जाके अब जाके, और फिर 2 साल से कोरोना आ गया, अब जाके ठीक है, अब हमारा खुद का हमने हमारा पैकेजिंग चालू किया है। तो तेल, जो घी घर में सबसे ज्यादा जो चीज लगती है, तेल घी दालें आटा वगैरह सब, तो हमने हमारा खुद का ही अब ठीक है, दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे, खुद के स्टोर करेंगे। पहला नौखे में स्टोर छोटा चालू किया, यहाँ से मटेरियल जो बनता है, यहाँ जैसे 7 दिन में 1 दिन पैकेजिंग होती है हमारी, जो अभी सारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो 7 दिन में 1 दिन हम पैकेजिंग करते हैं, तेल की घी की जितनी होती है उनका 7 दिन में 1 दिन पैकेजिंग करके अपने स्टोर पे और अमेजोन पे जो ऑर्डर आते हैं तो अमेजोन पे चला जाता है। राजस्थान सरकार नागौर में फूड पार्क बनाने की बातें पिछले 8 साल से कर रही है और कई बार बजट में घोषणा भी हो चुकी, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य है। इधर जांगू ने खुद के दम पर करीब 2 करोड़ का निवेश कर रेगिस्तान में मिनी फूड पार्क विकसित कर दिया है। यहां तैयार होने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की करीब 1 दर्जन नामी कंपनियों से करार किया गया है। अनार के लिए 2 देशों यूएसए और जर्मनी के साथ MOU हो रखा है। वहीं गाय का घी विश्व के 8-9 देशों में जाता है। फैमिली कहती है ये जो खेत इतने सारे पड़े हैं हमारा, आज तक बगैर पानी कुछ नहीं हुआ तो तू कैसे कहेगा, तो उनका भी कहना सही है। उन सबसे पहले तो हमें घर में लड़ना पड़ता है फैमिली से, परिवार से, और वो पागलों की जो उपाधि होती है वो सारी उपाधि मिल जाती है कि सवाल ही नहीं, नहीं कर पाएगा। और मैं 100% कहता हूँ नहीं कर पाता है, फाइनेंस एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, वो जब अटक जाता है तो खेत में रहने वाले को फाइनेंस कोई नहीं देता है।
मेरी नई गाड़ी है, मैं वीआईपी तरीके में मार्केट में घूम रहा हूँ, मेरे कपड़े अलग है, मोबाइल बड़े बड़े हैं, तो कोई भी मुझे दे देगा। ओके, खेत में रहने के बाद उसका कलर ब्लैक हो जाता है, गाड़ी छोटी हो जाती है, तो हर कोई डरता है कि वो उसको शादी में नहीं बुलाऊं, कम से कम ये रहता है। प्रगतिशील किसान अशोक जांगू बाजार की मांग और पूर्ति से अपने आप को पूरी तरह अपडेट रखते हैं। कौन से देश में किस खाद्य पदार्थ की मांग है, विश्व के विकसित देश खाने पीने की कौन सी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कुछ समय से गल्फ कंट्रीज में घी खाया जाने लगा है, औषधीय पौधों की मांग बढ़ने लगी है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वे अपने उत्पाद तैयार कर रहे हैं। जांगू ने ग्रीन हाउस भी तैयार किया है जहां मांग के अनुसार फसल उगाते हैं। बाजार में खीरा की मांग बढ़ी तो खीरा उगाया, अब पपीता के पौधे लगाए हैं। इससे पहले अश्वगंधा, मोरिंगा, गूगल आदि भी उगाए। गत वर्ष उन्होंने पालक को सुखाकर उसका पाउडर बनाया और फिर उसे विदेश में निर्यात कर दिया। अब अनार की जैविक पौध भी तैयार की गई है। मगर यहाँ तक रुकने में, यहाँ तक 6-7 साल, फिर आपको फाइनेंस, आज मुझे गाड़ी लेनी है ना 50 लाख की, तो मुझे फाइनेंस करने वाले 50 बैंक बैठे, और मैं किसी को बोल दूं मुझे गाड़ी लेनी है तो शाम तक यहाँ 20 आदमी आके मुझे कोटेशन दे देंगे और डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं लेंगे। मगर मुझे आज इंडस्ट्री के लिए चाहिए ना, कि मुझे इसमें ग्रो करना है, तो ग्रो करना है इसमें आप मानोगे नहीं, मुझे कोई कोई बैंक नहीं, मतलब ही नहीं, मेरी बैंक की, मेरे खेत की वैल्यू खत्म हो जाएगी, कि खेत की आपने वैल्यू ही नहीं, 10 लाख देने के लिए मुश्किल कर रहे हैं। उनको मालूम है ये एक नया कंसेप्ट है इनके पास, और ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, इनके पास खुद के स्टोर है, आप करें तो, मगर नहीं। जांगू ने अपने खेत में छोटा सा प्लांट भी बना लिया है जहां घी, कच्ची घाणी का तेल, दालें, गेहूं, जीरा आदि की उच्च स्तर की पैकिंग की जाती है और देश के साथ विदेशों में निर्यात किया जाता है। जांगू की काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे देसी गाय का घी 3200 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहे हैं, बावजूद इसके डिमांड इतनी है कि पूरी सप्लाई नहीं दे पा रहे। घी की तरह जांगू के अन्य उत्पाद भी बाजार में बिकने वाले सामान्य उत्पादों से 2 से 3 गुना महंगे हैं, फिर भी विदेशों तक में उनकी बड़ी डिमांड है। इसमें देखो, जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवाते हैं उसमें सबसे बड़ा तो ये होता है कि हमें पहले तो मालूम नहीं होता कि सर्टिफाइड करता कौन है, और सर्टिफिकेशन करने के बाद में सब फार्मर का डाटा, उसका खेत का रिकॉर्ड, उसकी डायरी में भरना, फार्मर भी हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, जब उससे आप साइन करवाते हो, कहते हो आप ऑर्गेनिक करो, फार्मर तो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट उसके लिए तो तब आएगा जब उसे हम थोड़ा 20% रेट या 10% रेट एक्स्ट्रा देके उसे खरीदेंगे। तो पहले अपन जब काम चालू करते हैं तो खरीदने वाला भी कोई होता नहीं है, तो ये सब चैलेंज आए थे खूब सारे, मगर धीरे 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 फिर मैंने फार्मर से तो किसी से पैसा लिया नहीं कि आप कोई ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवा रहे तो आप मुझे पेमेंट दो, मैंने मेरी जेब से किया ना, मैंने कोई गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट लिया, गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 1000 प्लान है, मगर मैं तो मेरी जेब से ही सर्टिफिकेशन करवा रहा हूँ। तो आए काफी सारे, मतलब ये समझो दिक्कत तो इतनी ज्यादा आती है कि जो सबसे ज्यादा तो दिक्कत आती है वो आती है मार्केट की। आप चीज बनाना बहुत इजी है, पैकेजिंग करना, मगर उसको मार्केट देके और ब्रांड देके उसको नाम से पुकारे के इस नाम वाली चीज मुझे दो, बालाजी वाली, तो वहां तक करने में आदमी मतलब एक पीढ़ी चली जाती है उसकी। जांगू पहले जिस व्यवसाय में थे उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हुए, फिर भी मन में कुछ हटकर करने का इरादा था। लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले रेगिस्तान में बागवानी करने का काम हाथ में लिया। इसके लिए वे 7 साल तक समाज से कट गए, यहां तक कि शादी समारोह में जाना भी बंद कर दिया। एक ही धुन थी कि जो कर रहे हैं उसमें सफल होना है, और आज नागौर सहित प्रदेश भर के करीब 500 किसानों के साथ मिलकर ऑर्गेनिक उत्पादों को देश विदेश में बेचकर सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। साल 2019 में राजस्थान सरकार ने जांगू को प्रगतिशील किसान का 1 लाख रुपए नकद का पुरस्कार दिया। इस साल यूएसए की कंपनी ने संपूर्ण भारत के टॉप 10 किसानों में जांगू का चयन किया है। नागौर से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।